हेलो एवरीबडी आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ असेसमेंट इन इनकम टैक्स असेसमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है टोटल इनकम को और इनकम टैक्स को इनकम के फाइव हेड्स होते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैपिटल गेंस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जब हम पाँचों हेड्स की इनकम को ऐड कर लेते हैं और उसमें से रिडक्शंस को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाती है जब हमारे पास टोटल इनकम आ जाती है तो उस पर जब हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं तो उसे कहा जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम टैक्स टाइप्स ऑफ असेसमेंट असेसमेंट बेसिकली चार टाइप्स की होती है सेल्फ असेसमेंट समरी असेसमेंट रेगुलर असेसमेंट और रीअसेसमेंट रेगुलर असेसमेंट फर्दर दो टाइप्स की होती है स्क्रूटनी असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 140 ए कवर करता है सेल्फ असेसमेंट को सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है जब हम सेक्शन 139 के तहत वॉल्टरली रिटर्न को भरते हैं या फिर जब हम किसी नोटिस के रिस्पांस में सेक्शन 142 फोर्टी टू के अंतर्गत रिटर्न को भरते हैं सेल्फ असेसमेंट में जब असेसमेंट किया जाता है तो ये एस के द्वारा ही किया जाता है यहाँ पर जो एस है वो स्वयं अपनी टोटल इनकम को कैलकुलेट करता है टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर जो एस है वो इनकम टैक्स को भी खुद ही कैलकुलेट करता है अगर यहाँ पर किसी परिस्थिति में ऐसा हो जाता है कि जो व्यक्ति एस है वो इनकम टैक्स को पे नहीं कर पाता है समय पर तो यहाँ पर एस को इंटरेस्ट भी पे करना होता है यहाँ पर एसएससी के द्वारा इनकम टैक्स के रिटर्न को खुद ही सबमिट किया जाता है और उसके साथ में डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को भी सबमिट किया जाता है नेक्स्ट असेसमेंट है समरी असेसमेंट समरी असेसमेंट को कंडक्ट किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा समरी असेसमेंट के लिए जो व्यक्ति एस है उसे इनकम टैक्स ऑफिस नहीं बुलाया जाता है समरी असेसमेंट के दौरान ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति एस है वो अपनी बुक्स को या फिर डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करे समरी असेसमेंट एस के द्वारा फाइल किए गए रिटर्न के बेसिस पे किया जाता है समरी असेसमेंट में बेसिकली जो भी अरिथमेटिकल मिस्टेक्स हो जाती है एस के द्वारा उनको करेक्ट किया जाता है यहाँ पर पहले से ही रिटर्न के परसेंटेज को डिटामाइन कर लिया जाता है जिनमें स्क्रूटनी की जाएगी बेसिकली यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा स्क्रूटनी की जाती है और अगर इनकम टैक्स पे करने में कोई एरेथमेटिकल एरर हो जाती है तो उसे सही किया जाता है अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई अमाउंट है टैक्स का जो कि ड्यू है जो कि एसएससी को पे करना है स्क्रूटनी की गई और उसके बाद ये पता चला कि यहाँ पर एसएससी के द्वारा कम टैक्स भरा गया था तो यहाँ पर अगर एसएससी से और टैक्स पे करवाना है मतलब एसएससी का जो टैक्स है वो ड्यू है तो यहाँ पर एस को बताया जाता है और इसके साथ ही अगर यहाँ पर एस के द्वारा ज़्यादा टैक्स पे कर दिया जाता है तो रिफ़ंड ग्रांट किया जाता है एस को यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा इंटीमेशन तभी दिया जाता है जब आप ज़्यादा टैक्स पे कर देते हैं या फिर कम टैक्स पे करते हैं जब एक बार रिटर्न को फाइल कर दिया जाता है उसके एक साल तक अगर कोई इंटीमेशन नहीं आता है तो यहाँ पर आगे इसके बाद और भी कभी इंटीमेशन नहीं दिया जाता है तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टाइम है वो है एक साल तक का अगर कोई इंटीमेशन आना होता है तो वो एक साल के अंदर अंदर ही आ जाता है एक साल के बाद फिर यहाँ पर इंटीमेशन नहीं आता है नेक्स्ट असेसमेंट है रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट दो टाइप की होती है एक जो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस और दूसरी होती है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस दिया गया है अंडर सेक्शन 143 फोर्टी थ्री सबसेक्शन थ्री और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दिया गया है अंडर सेक्शन 144 सेक्शन 143 फोर्टी थ्री सबसेक्शन टू के अंतर्गत एक नोटिस सर्व कर दिया जाएगा असेसी को रिटर्न को फाइल करने के छः महीने के अंदर अंदर कि वो एविडेंस के साथ असेसिंग ऑफिसर के समक्ष प्रेजेंट हो यहाँ पर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स और कोई अन्य रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अगर रिक्वायर्ड होते हैं तो उन्हें मंगवाया जाता है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर असेसी से असेट्स और लाइबिलिटीज़ का स्टेटमेंट मांगा जा सकता है यहाँ पर एस एस सी को और अदर पार्टीज़ को एग्जामिन किया जा सकता है एज़ विटनेस अंडर सेक्शन वन थर्टी थ्री किसी भी अकाउंट या फिर ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए असेसिंग ऑफिसर के द्वारा बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसा कोई व्यक्ति जिसके साथ में असेसी ने ट्रांजेक्शनस किए थे उनसे यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इंफॉर्मेशन को गैदर किया जा सकता है यहाँ पर जो व्यक्ति एस एस सी है उसको ऑर्डर किया जा सकता है कि वो जाए और अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाए यहाँ पर रेफरेंस दिया जा सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को अंडर सेक्शन 142 ए और यहाँ पर जो भी असेट्स हैं एस एस सी के उनकी वैल्यू को डिटरमाइन किया जा सकता है यहाँ पर जो व्यक्ति एस एस सी है उसकी सारी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एस को कि यहाँ पर जो इनएक्यूरेसी है और ओमिशन्स हैं जो कि एस के द्वारा किए गए हैं उनको एस एस एक्सप्लेन कर सके अगर यहाँ पर जो व्यक्ति एस एस सी है वो एविडेंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो इसका एडवर्स इफ़ेक्ट होता है इस पूरी प्रक्रिया को ख़त्म करने के बाद यहाँ पर व्यक्ति की टोटल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है उसके बाद यहाँ पर इनकम टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है और इसके साथ ही इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। जब यहाँ पर एविडेंसेस नहीं मौजूद होते हैं या फिर जो एविडेंसेस मौजूद होते हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं कि वो व्यक्ति के प्रॉफिट और लॉस को बता सकें तो ऐसे समय पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाता है कंपलसरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जब जो एस एस सी है वो रिटर्न को सबमिट करने में फ़ेल हो जाता है या फिर जब जो एस एस सी है वो कम्प्लाई नहीं कर पाता है नोटिस की टर्म्स के साथ में ऐसा नोटिस जो कि दिया गया था अंडर सेक्शन वन फोर्टी टू सबसेक्शन वन या फिर सेक्शन वन फोर्टी थ्री सबसेशन टू या फिर जो एस एस सी है वो कम्प्लाई नहीं कर पाता है उन डायरेक्शंस के साथ में जो कि दिए गए थे अंडर सेक्शन वन फोर्टी टू सबसेशन टू ए अगर यहाँ पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाता है तो जो असेसी है वो लाइबल हो जाता है पेनल्टी के लिए इसके साथ ही जो असेसी है उसे प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है असेसी के द्वारा अब न्यू फैक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है अगर यहाँ पर कोई रिफंड मिल भी रहा होता है एस को तो फिर ये रिफंड नहीं दिया जाता है री असमेंट री को इनकम एस्केपिंग असेसमेंट भी कहा जाता है अगर यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि जो असेसी है उसके द्वारा इनकम को एस्केप किया गया है तो यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर के द्वारा री असेसमेंट किया जा सकता है री असेसमेंट तब किया जाता है जब जो इनकम है वो चार्जेबल होती है टैक्स के लिए पर यहाँ पर रिटर्न को फर्निश नहीं किया जाता है अगर जो एस एस सी है उसके द्वारा इनकम को कम बताया जाता है या फिर जो लॉसेस हैं उनको ज़्यादा बताया जाता है तब री की जाती है अगर जो एस एस सी है उसके पास कोई असेट है जो कि इंडिया के बाहर है और उससे भी उसे कोई इनकम होती है और इस इनकम को वो एस्केप करता है तब भी री किया जा सकता है अगर कभी किसी परिस्थिति में असेसिंग ऑफिसर को पता पड़ता है किसी इंफॉर्मेशन के बारे में या फिर कोई डॉक्यूमेंट मिलता है जिससे ये साबित हो कि जो असेसी है उसके द्वारा जो उसकी इनकम है उसको अंडरस्टेट किया गया है या फिर जो लॉसेस हैं उनको ज़्यादा दिखाया गया है तब भी रीअसेसमेंट किया जा सकता है रीअसेसमेंट के लिए सबसे पहले नोटिस सर्व किया जाता है अंडर सेक्शन 148 असेसिंग ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर रीज़न को भी रिकॉर्ड किया जाता है कि यहाँ पर री असेसमेंट क्यों किया जा रहा है अगर जो असेसिंग ऑफिसर हैं वो जॉइंट कमिश्नर की रैंक से बिलो रैंक के हैं तो यहाँ पर नोटिस इशू करने के पहले जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल ज़रूरी होता है ये जो नोटिस है ये रेलिवेंट ईयर से चार साल तक की समय अवधि के अंदर अंदर सर्व किया जाना ज़रूरी होता है चार साल एक्सपायर हो जाने के बाद फिर ये नोटिस नहीं दिया जा सकता है जब तक कि जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर हैं वो सेटिसफाइड नहीं हो जाते हैं तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है टाइप्स ऑफ असेसमेंट इन इनकम टैक्स